अब हम इसमें बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने डालने वाला हूँ, इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसको पता है वो बताइए। और प्लीज़ गूगल करने की कोशिश मत कीजिएगा, गूगल नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसकी फुल फॉर्म बताइए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, और ऐसे ही मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने डालूंगा। अब हम बात करें स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन की। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे। देखिए 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा, ठीक है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। कब? 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के, हम मानते हैं 6 राज्यों के सदस्य के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सदस्य बन गए, सदस्य बने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 3 जून 1947 को, अभी देखिए हम अगस्त में नहीं आए हैं, ठीक है, अगस्त तक नहीं पहुंचे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश माउंट बैटन योजना को स्वीकार किया गया। आप लोगों को पता ना कि एक माउंट बैटन योजना आई थी, माउंट बेटन योजना। ये योजना क्या थी? देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया क्या कि दो अलग राष्ट्र बनने की बात हो रही थी। कौन कौन सा? एक हो रही थी आपका पाकिस्तान और एक हो रही थी आपका हिंदुस्तान। ये दो अलग अलग राज्य बनने थे, सॉरी मैं देश कह सकता हूँ इनको, उस टाइम पर राज्य भी कहा जा सकता था लेकिन आज मैं देश बोल रहा हूँ इनको, ठीक है। तो अलग अलग देश बनने की बात हो रही थी, तो इसी को बोला गया कि माउंट बैटन योजना, क्योंकि माउंट बैटन ने ही इनको अलग अलग किया था। तो इस योजना में क्या किया गया कि जो देशी रियासतें थीं, उन देशी रियासतों में ज़्यादातर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सभा में अपनी सीटें ग्रांट कर ली, ठीक है। उसके आगे क्या हुआ उसको हम देखते हैं। अब देखिए, अब जब भी, क्योंकि हम सभा की बात कर चुके हैं, अब जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो सभा के रूप में, देखिए अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस बैठक में सभा का भार संभालते थे। कैसे? कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, राजेंद्र प्रसाद, ये क्या करते थे कि जब भी सभा की बैठक होती थी, किस, कौन सभा की? संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की बैठक होती थी तो सभा में उसकी अध्यक्षता करते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में, ठीक है, संविधान सभा के रूप में तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका, ठीक है, जब बैठक जो होती थी वो बतौर विधायिका के तौर पे होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी वी मालवंकर, जी वी मालवंकर
सभा की बैठक बतौर विधायिका, ठीक है, बतौर विधायिका होती। तो अध्यक्ष कौन हो गए? जीवी मालवंकर। अब जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही, ठीक है। ये दोनों रूप 26 नवंबर 1949 तक बने रहे, बरकरार रहे, कि अगर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक होगी संविधान सभा के रूप में, ठीक है, सभा की बैठक होगी संविधान सभा के रूप में, तो अध्यक्षता करेंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और सभा की बैठक होगी बतौर विधायिका के रूप में, तो अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर। और ऐसा कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक, ठीक। अब संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अन्य कार्य क्या थे इसको देख लेते हैं। देखिए, इसने मई 1949 में, किसने, संविधान सभा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता का सत्यापन किया, ठीक। पहला कार्य था क्या? 1949 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन का सत्यापन, ठीक, 1949 में कर दिया। आजादी मिल चुकी है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया। राष्ट्र ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, ठीक। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो इसको आप लोग समझ सकते हैं आराम से। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय या गीत कर देते हैं, गीत अपनाया। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इतना लंबा लंबा लिखूँगा तो आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना, ठीक। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहा। तो ये अन्य कार्य थे। अब इसमें हम बात करेंगे साथ में ही कि और क्या क्या हुआ। अब देखिए, जो अन्य कार्य हुए उसमें अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूँ तो संविधान बनने में एक समय लगा, ठीक है। अब हम समय सीमा के ऊपर बात करेंगे। तो संविधान बनने में टोटल 2 साल 11 माह और 18 दिनों का समय लगा, ठीक है। ये भी अन्य कार्य हम ले रहे हैं इसको,
दो साल 11 माह 18 दिनों में संविधान बना, ठीक, जो इतने समय में संविधान बना और इस कार्य को पूरा करने में कुल कितनी बैठक हुई? कुल 11 बैठकें हुई इसकी, ठीक। दो साल 11 माह 18 दिन में संविधान बना, कुल 11 बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई जब जगह संविधान बना। संविधान बनाने के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उठाया कुछ किताबें उठाई कानून की और पढ़ के बना लिया, नहीं। संविधान बनाने के लिए कई देशों का संविधान पढ़ा गया, समझा गया, उसमें जो कुछ जरूरी चीज थे, ठीक है, जो हमें हमारे यहाँ के नागरिकों के अनुसार लगे कि हाँ ये उनकी ज़रूरतों के लिए अच्छा हो सकता है, उनको अपनाया गया और बाकियों को त्याग दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, ठीक, 60 देश के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, ठीक है। देखो 60 देश संविधान का अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है, कुल 11 बैठकें हुई हैं, दो साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और 114 दिनों का इस पर विचार हुआ। प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ, ठीक है, 114 दिन तक विचार किया। जो संविधान बना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस चला, इसमें तकरीबन बात करें तो कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया, का खर्च हुआ, ठीक, 64 लाख रुपए तकरीबन इसमें खर्च किए गए। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का जो एक कार्य प्रणाली बनी, ठीक है, कब कब कैसे कैसे हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का भी, कि जो संविधान हमारा लिखा गया, ठीक है, संविधान हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम थी पूरी, उन सब ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, लेकिन संविधान बनने के बाद किस आदमी ने उसको अपनी कलम से अच्छी तरह एक डिजाइन दे दे करके लिखा, ठीक है, एक मतलब उसका एक ऊपर खाका, मतलब एक तरह से उसका डिजाइन, अच्छी भाषा दी उसको, ठीक है, अच्छा डिजाइन दिया उसके शब्दों को, एक अच्छा डिजाइन दिया, किस व्यक्ति ने दिया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करेंगे इसमें संविधान सभा की समितियों के बारे में, कौन कौन संविधान सभा की समिति थी, उनके कार्य क्या था, उनको लेकर बात करेंगे। संविधान सभा की समितियां को देखते हैं, देखिए संघ शक्ति की समिति, संविधान सभा की विभिन्न शक्ति थी, तो उनको हम उनके शब्दों के अनुसार समझ लेते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली समिति की हम बात करेंगे, संघ शक्ति समिति, ये किसकी थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको देखते हैं पहले। संघ, देखिए हम संघ क्या जानते हैं, संघ का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा यूनियन, ठीक है, संघ की हम जैसा बात करते हैं संघ सरकार, हम जानते हैं संघ की सरकार, कौन सरकार है आज के डेट में, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, संघ में तो संघ होगा, तो उस टाइम पर संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, संघ के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री दावेदार कौन थे, तो वो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ की जो शक्ति हुई, उसकी समिति हुई, तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ गया इसमें, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला इसमें है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। देखिए इसमें भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर से फिर से वही शब्द आ रहा संघ। ठीक है, संघ शब्द आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो फिर से अगर हम कह सकते हैं कि भाई संघ किसकी बात हो रही है यहां पर, संघ के तौर पे ऐसा आज जो संघ है, यूनियन जो है हमारा, ठीक है, तो आंसर इसका भी क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहां पे क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई संविधान समिति की बात कर रहे हैं तो उठा करके डालने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर होंगे संविधान की बात, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे देखिए शब्द पर ध्यान देना है, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति जो बनती है वो थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन होंगे, सोचने वाली बात है। यहां पर शब्द क्या आ रहा है, प्रांतीय, हम एक नाम जानते हैं लोहा पुरुष। ठीक है, जो लोहा पुरुष थे, अब उसमें जो प्रांत है उनका काम क्या था कि जो प्रांत अलग अलग हैं उन सबको किसी भी तरह से भारत में शामिल करना, क्योंकि भारत में कई सारी अलग अलग प्रांतें थी। ठीक है, अब उनको क्या करना था कि भारत में शामिल करना था, अलग अलग राज्य जो भारत में शामिल हो सकते हैं सबको एक अखंड भारत बनाना था, तो उनकी एक अलग समिति हो गई। ठीक है, तो हमें प्रांतीय है संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन बने, सीधी बात है सरदार वल्लभभाई पटेल। चालू देते हैं हम सरदार। अब इसमें चौथी जो समिति थी उसको देखते हैं हम, फोर्थ समिति किसके लिए थी, फोर्थ समिति इसमें चौथी समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। उसके बाद अगली समिति आपकी आती है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति। देखिए यहां पर क्या है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति है। ठीक है, और मौलिक अधिकार दरअसल किस में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग लोग रह रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग सब मौलिक अधिकार चाहते थे। तो जो अल्पसंख्यकों की बात आ रही है, अल्पसंख्यक जो अलग अलग जगह पर बसे हुए थे, ठीक, तो इसके लिए भी जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, वही इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, सरदार पटेल। अब इसमें अगली समिति हम बात करेंगे, छठी नंबर की समिति है जिसका नाम है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। ये प्रक्रिया नियम समिति है, ये किसकी थी? देखिए खास तौर पर आप जानते होंगे जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होते हैं, वो कौन चलाता है, कौन बनाता है, जो कि अध्यक्ष होता है। ठीक है,
और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पूरी संविधान सभा की बात हो रही है। अब पूरी संविधान सभा को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए कि यहाँ पे ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, एक हेड होगा, और संविधान सभा का जो हेड था वो कौन था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हो गए वो कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद आएगा राज्यों के लिए समिति यानी कि समझौता करने वाली, सातवीं राज्यों के लिए समिति। अपन ऐसा कर सकते हैं इसको, समझौता करने वाली। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ मैं इसको, समझौता करने वाली। अब देखिए राज्यों के लिए समिति या समझौता करने वाली, समझौता किस प्रकार से हो रहा था यहाँ पर, कि राज्यों को भारत में मिलाया जाए, अखंड भारत बनाया जाए। ठीक, तो इसके लिए राज्यों को समझौता करने वाली समिति है, और जो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसके लिए अध्यक्ष उसको बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के लिए। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसमें आखिरी समिति जो हम बात करेंगे वो है संचालन समिति। संचालन समिति, अब देखिए यहां वही वाली बात है, प्रक्रिया और नियम की समिति राजेंद्र प्रसाद की, वैसे हो गया संचालन समिति, क्योंकि आप एक सभा को संचालित करने की बात करो, सभा को संचालित करने के लिए तो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो सभा को संचालित करने के लिए कौन चुने गए, राजेंद्र प्रसाद, उनको ये समिति दी गई, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये सब समितियां हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जरूरत वाली हैं, इसके बाद मैं अभी और पढ़ाऊंगा। तो और जो छोटी समितियां बनी थी कुछ, उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप लोग एक बार बुक्स उठाकर पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए सही रहेंगी वो। ठीक है, संविधान सभा की समितियाँ थी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति फिर जवाहरलाल नेहरू जी आए, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए सीमित ओ सॉरी राज्यों के लिए समिति इसमें समझौता करने वाली समिति है, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, और अंत में संचालन समिति की अगर बात करें तो थे राजेंद्र प्रसाद। अभी जो आपने समितियां पढ़ी उन समय सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है वो है हमारी प्रारूप समिति। अब हम प्रारूप समिति को समझेंगे कि ये इतनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है क्यों। प्रारूप समिति जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब ये प्रारूप समिति है, देखिए इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक, इसमें 7 सदस्य रखे गए, सदस्य कितने थे इसमें, 7 सदस्य को मिलाकर के ये समिति बनी। ठीक है, और जो 7 सदस्य थे उनके मैं अभी आपको नाम लिखवा देता हूँ। ठीक, प्रारूप समिति के, देखिए प्रारूप समिति का मतलब क्या था, जो संविधान का निर्माण होना था वो जो कार्य करना था। ठीक है, संविधान के निर्माण में जो कार्य होना होगा, उसकी जो रूपरेखा होगी, कैसे वो लागू होगा, सब कुछ करेगी कौन, प्रारूप समिति का वो कार्य दिया गया। ठीक है, तो इसलिए प्रारूप समिति इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ बात संविधान का निर्माण की कर रहे हैं। अब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देखिए पहले हम देख लेते हैं,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक है, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे मेंबर कौन थे, टोटल सात मेंबर थे ना, मैं सात मेंबर को मैं बताऊंगा आपको। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, या अयंगर का मैंने ऐसा नीचे डबल वो डाल दिया, तो इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा ऐसे ही ठीक है। उसके बाद थे डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवे थे उसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। छठे इसमें हैं एन माधव राव, एन माधव राव। देखिए जो एन माधव राव थे, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। मतलब उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रह सकता कि वो हमेशा लग करके और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काम कर सकें। और एक थे सातवें सदस्य टी टी कृष्णा मचारी, ठीक। देखिए जो टी टी कृष्णा मचारी थे, इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, ठीक है। तो इन सात व्यक्ति को मिलाकर के संविधान की जो प्रारूप समिति थी वो बनाई गई। अब जो प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति का कार्य कैसा था, प्रारूप समिति द्वारा पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। कब? तो पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया उन्होंने, ये किया फरवरी 1948 में, ठीक। प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप किसका, अब ये किसका प्रारूप पेश करेंगे भाई, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा है, संविधान बन रहा है, तो उसका प्रारूप पेश करेंगे। तो वो पहला कब पेश किया, 1948 में, जिस पर चर्चा और संशोधन हुआ और 18 माह का समय दिया गया, ठीक है। टोटल 8 महीनों का समय दिया गया चर्चा के लिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज़ पेश करेंगे, ठीक है। आज बता रहे कि सदन में कोई बिल पेश किया गया तो उस पर टाइम लिया था कि भाई इतना टाइम आपको दिया जा रहा है, इसमें आप अपने जवाब दीजिए, कुछ संशोधन है तो वो बताइए, ठीक है। तो उस प्रकार से जब प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप पेश किया 1948 में, तो 8 माह का समय दिया गया उस पर चर्चा के लिए, कि 8 माह का समय लीजिए आप चर्चा कीजिए। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब यहां दूसरा प्रारूप कब आ रहा है, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में आ रहा है, ठीक। अब ये दूसरा प्रारूप जब पेश किया जाएगा तो इसमें भी कुछ समय दिया जाएगा, और यहां पर जो टाइम दिया गया वो दिया गया 6 माह का, किसके लिए, चर्चा के लिए, कि आप 6 माह तक उस पर चर्चा कीजिए और बताइए। बल्कि 6 माह एक टाइम दिया गया था, लेकिन उससे भी कम टाइम में ये काम हो गया पूरा का पूरा। तो इस दौरान, यानी कि जो टोटल टाइम पीरियड हुआ, इस टाइम को अगर काउंट करें तो इस दौरान मिलाकर के कुल कितनी बैठकें हुई, ठीक है, जो प्रारूप समिति के जो विचार और परामर्श की जो बैठकें हुई
वो टोटल 141 बैठकें हुई। एक सौ इकतालीस बैठकें हुई जिनके अनुसार ये पूरा कार्य हो पाया और संविधान सभा पर चर्चा हो पाई। अब हम बात करेंगे इसमें संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है, संविधान प्रभाव में कैसा है उस पर चर्चा करेंगे। 4 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, ठीक। फिर 9 नवंबर 1949 तक उस पर चर्चा हुई कि भाई कैसा संविधान है, ठीक है नहीं है, क्या उसमें को अमेंडमेंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सब चर्चा चली। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, संविधान अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। और जब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया तो इसमें क्या क्या था? इस संविधान में प्रस्तावना थी 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। जब संविधान को अपनाया गया तो इसमें क्या क्या था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया जिसमें प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इन सब को मिलाकर क्या बना? एक संविधान हमारा भारत का तैयार हुआ। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, ठीक है। हमारा संविधान लागू कब हुआ ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपने सही बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। अब संविधान का प्रवर्तन समझते हैं, संविधान का प्रवर्तन क्या था इसमें। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि 4 दिनों तक विभिन्न प्रकार और 4 दिनों तक चर्चा चलती रही, 4 दिनों तक विभिन्न प्रकार की चर्चा चली। जैसे कुछ लोग चाहते थे कि वुमेन्स को राइट्स मिले, कुछ लोग चाहते थे कि भाई संविधान को ईश्वर को समर्पित किया जाए, कुछ लोग चाहते थे कि संविधान को क्या कहते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित किया जाए, ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कि संविधान के अंदर सभी को अगर एक समान दर्जा दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार की धारणा में चर्चा चलती रही कई दिनों तक, तो उसके बाद ही उसको आगे एक्सेप्ट किया गया। तो हम देखते हैं संविधान का प्रवर्तन। देखिए 26 जनवरी 1949 को नागरिकता चुनाव तटस्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम मैंने किस किसकी बात की? अब देखिए ये जो जुड़े हुए प्रावधान मैंने बताया इसमें मैं कुछ आपको लिखता हूँ, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये सारे के सारे स्वतः ही लागू हो गए, इनको हम लिख सकते हैं हम स्वतः ही लागू हो गए। देखिए जब हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया, ठीक है, तब नागरिकता की बात उसमें, चुनाव, संसद, अस्थाई और परिवर्तनशील नियम, ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे शीर्षक जुड़े जिनमें अनुच्छेद ये सारे के सारे काउंट करके स्वतः ही लागू हो गए। यहाँ तक कि अभी संविधान लागू नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि संविधान तो हमारा 1950 में आकर लागू हुआ, और हमने संविधान को अपनाया कब? संविधान को हमने 1949 में अपना लिया, तो 1950 में जाकर लागू हुआ संविधान, ठीक है, टाइम लगा लागू होने में। तो जब तक के लिए ये जो कुछ अनुच्छेद हैं
ये ऑटोमेटिकली चालू हो गए कि भाई ए अनुच्छेद तो काम करेंगे करेंगे, ठीक है, इनके अलावा आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू, मतलब अगर इन सबको मैं निकाल दूं, ठीक है, तो उसके बाद जितने अनुच्छेद बचते हैं यानी कि हम शेष प्रावधान जो बचे हमारे वो कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बाकी शेष प्रावधान लागू हुए। क्यों, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर आता है क्यों, क्योंकि आप 1949 में नवंबर में एक्सेप्ट कर रहे हो कि संविधान आपका बन गया, उसको अंगीकृत कर लिया संविधान सभा ने, लेकिन इतना बड़ा गैप आप क्यों दे रहे हो, 1950 में उसको लागू कर रहे हो, ठीक है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। किसका, 26 जनवरी 1950 का जो दिन है ये, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और इसमें क्या है कि इसी दिन 1930 को, मैं बात करूँ तो 1930 को यानी कि तकरीबन 20 साल पहले, ठीक है, 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं ना आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने लाहौर अधिवेशन, ठीक है, दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, ठीक है, मैं कहता हूँ लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनका जो अधिवेशन होता था, ठीक है, साल में एक बार, वो कौन से माह में यानी कौन से महीने में और कौन सी तारीख को होता था, ठीक है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण स्वराज को आधार माना गया। आधार क्या माना गया यहाँ पर, कि लाहौर अधिवेशन का आधार क्या था, पूर्ण स्वराज आधार था इसका, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की उन्होंने बात की। अब देखिए संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और ये था 1947, ठीक, साथ में भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों को कैंसिल कर दिया गया, ठीक, संविधान की शुरुआत से ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब अपनी संविधान समिति बन चुकी है, अब इनकी कोई जरूरत हमें है नहीं, ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, पूरा सॉरी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको एक संविधान, जो संविधान का निर्माण है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रारूप समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस किस डेट पर क्या कार्य हुए, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपका बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिजी मेंटो चैनल को, साथ में आप जो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले दिख रहा है कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वीडियोस के लिए, आप फ्री वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे आकर देख सकते हो, ठीक है, आपको बहुत टाइप के वीडियोस मिलेंगे। और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।